बच्चों में पूछा गया है द प्रेफर्ड साइड फॉर प्रोटोनेशन इज बिजली कौन सा हमारा एटम है जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होगा H प्लस को साइड फॉर प्रोटोनेशन का ये मतलब है कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को H प्लस को डोनेट कर रहा होगा तो बच्चों पहले वाले कंपाउंड में हमें दो ऑप्शन हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा या ऑक्सीजन नॉर्मली नाइट्रोजन की देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है लेकिन अगर तुम यहां पे देखोगे तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस ठीक है ना गाइस नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड ऑक्सीजन का लोन पेयर इज विद ऑक्सीजन ओनली तो ऑक्सीजन विल बिकम द एटम ऑक्सीजन इज द वन जो कि तुम्हारा एच प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा इनफैक्ट तुम अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो तो यूल रियलाइज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है हा है ना दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू गेट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ऑक्सीजन इज द वन जो कि अपने इलेक्ट्रॉन एच प्लस को डोनेट करा होगा इट इज द साइट फॉर प्रोटोनेशन फाइन अब इस पे आते हैं इसमें देखोगाइज ये जो नाइट्रोजन है कौन सा बच्चों? ये वाला। इसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेस विद द रिंग फाइन तो याला नाइट्रोजन की डोनेट करने की टेंडेंसी टू एच प्लस कम होगी इसकी कम टेंडेंसी होगी एक्सप्रेस को अपने ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने की। अब आते हैं इस पे गाइस। ये जो नाइट्रोजन है, इसका जो पेर है दैट आर इन्वॉल्व नॉट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन तो दिस नाइट्रोजन इज द साइट फॉर प्रोटोनेशन इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल समझ में आया नहीं आया बच्चों आंसर पहले वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन विल सर्व एज ए साइड और इन दोनों नाइट्रोजन में से दिस नाइट्रोजन इज ए वन पे प्रोटोनेशन होगा क्लियर